फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग आज का का मेरा ये वीडियो एक वर्कशीट है क्लास टू के के स्टूडेंट्स लिए चैप्टर प्लांट किंगडम इससे पहले हमने प्लांट किंगडम में अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं उनका एक वीडियो देखा था जिसमें एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स के साथ हमने देखा था कि मेनली कितनी कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है आज उसी चैप्टर के बेस हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जो बच्चों से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो फ्रेंड्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है जो नॉर्मली छोटे बच्चों से पूछा ही जाता है जिसमें कि उन्हें एक जो राइट ऑप्शन है है उस टिक करना होता है. जैसे ए देखिए बिग एंड टॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर डीज आर ट्रीज तो उन्हें यहां टिक करना है सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द ग्राउंड आर कॉल्ड creepers which is not a cereal not a cereal coconut next dekhi plant which we eat as a stem means wo plant stem form mein hi hum khate hain aur right answer hai potato see the next question again है true and false type के question जिसमें अगर statement सही है तो ट्रू करना है नहीं तो फॉस्ट लगा देना है वी गेट मेनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स यस श्रब्स आर एज स्ट्रॉग एज ट्रीज नो पंपकिन इज ए क्लाइंबर नो इट इज ए क्रीपर प्लांट्स कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड यस सम प्लांट्स आर मेडिसिनल प्लांट्स यस ट्रीज आर नॉट important for our environment. No, trees are important. Next question dekhi list five items that we obtained from plants. kaun se पांच ऐसे items हैं? कोई भी पांच आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि हमें plants से मिलते हैं। Like हम लिख सकते हैं, sugar, okay, timber, paper, medicines. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और भी आप जो भी चीजें जो हम प्लांट से लेते हैं वो इसमें लिख सकते हैं सी द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ दीज हर किसी के लिए दो एग्जाम्पल्स आपको फिल करने हैं रूट्स वी ईट कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम रूट्स ईट करते हैं मीन्स जो रूट के फॉर्म में ही खाए जाते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कैरेट रेडिश गाजर और मूली नेक्स्ट देखिए स्टेम वीट, ईट पटैटो एंड शुगर केन लिफ्स वी ईट कैबेज एंड स्पिनिच इसके अलावा भी आप इसमें कोई भी जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं पल्सेस वी ईट मूंग मैसूर ग्रैम चना जो होता है सीरियल्स वी ईट वीट राइस बाजरा मेज एटसेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच इसमें आपको मैच करना है कॉलम ए जो है इसके जो ऑप्शन हैं वो कॉलम बी में जो दिए हुए हैं उनके साथ फॉर एग्जाम्पल श्रब्स तो श्रब्स कौन सा है इसमें से श्रब रोज हर्ब्स कोरिएंडर क्लाइंबर मनी प्लांट पल्सेस, मूंग एनिमल प्रोडक्ट इट्स अ मिल्क नेक्स्ट आप देखिए व्हाट आर ट्रीज श्रब्स हर्ब्स क्लाइंबर्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं वन लाइन आंसर्स में आ सकते हैं शॉर्ट आंसर जिनको आप कहते हैं इनके अलावा भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं बट यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जिनमें पूछा जा सकता है वाटर ट्रीज वाटर श्रब्स वाटर हर्ब्स वाटर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल एंड कलर इट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटीज़ ईवीएस में करना अच्छी लगती है उन्हें ड्राइंग अच्छी लगती है और आगे जाके साइंस में उन्हें ड्रॉइंग्स ही करनी है इसलिए अभी से ही अगर आप उन्हें इस टाइप के ड्राॅइंग्स बनाने के लिए देंगे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा तो इस टाइप का एक ड्राॅइंग क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट ऐसे ट्री की पिक्चर बना के भी दे सकते हैं कि लिस्ट फाइव आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और ट्रीज ओके तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्लांट किंगडम के चैप्टर से आ सकते हैं आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपके लिए यूजफुल रहा होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग